सकते थे कि उन्होंने बोला है कि समय भी अब नजदीकरण समय समाप्त हो और कांग्रेस को तत्परता दिखानी होगी सीट शेयरिंग को लेकर भी, और जिस तरीके से इंडिया ने कन्वीनर को लेकर भी पूछा गया था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभा, उसको भी कहा कि हाँ देखते हैं मैं जिस तरीके से किसी त्यांग ने बोला कि समय समाप्त हो और कांग्रेस को भी तत्परता दिखानी होगी। देखिए इस पूरे मामले को बहुत स्पष्ट समझा जाए कि पिछले छः महीने से साल भर से एक्सरसाइज चल रहा है, लेकिन ये ऐसे अति महत्वाकांक्षी लोगों का गठबंधन है जो अपनी निजी और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पे पूरी पार्टी की बलि दे सकते हैं। यहाँ तो एक इंडिया अलायंस गठबंधन है और मेरा ये मानना है कि एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति है। सबको लगता है कि वो लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। अब इस प्रधानमंत्री पद और संयोजक का पद, इसकी लड़ाई छिड़ी हुई है। ममता ने नीतीश कुमार को नकार दिया, स्टालिन ने भी नीतीश कुमार को नकार दिया, कांग्रेस दम नहीं चाहती कि नीतीश कुमार का नाम आए, राहुल गांधी का नाम आगे रहे। तो कहीं ना कहीं आपस का जो ये लड़ाई है महत्वाकांक्षा का, वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का अंत का कारण बनेगा। और जिस व्यक्ति से ये लड़ना है, नरेंद्र मोदी से, उतनी इनकी क्षमता नहीं है कि ये लोग पहले तो अपने में लड़ के पहले संभल जाएँ। कहाँ से मोदी से लड़ेंगे? आज इंडी का अपना जो आपसी युद्ध है वही काफ़ी है। केजरीवाल पंजाब और दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे हैं। तो मैं बहुत पहले एक बात कहा था कि एक पिक्चर थी शाहरुख खान की कि उसने कहा कि मुझको छोड़ दो, तो किसी ने कहा पारो छोड़ दो, किसी ने कहा शराब छोड़ दो, किसी ने कहा देश छोड़ दो। तो वही स्थिति है कांग्रेस की। कांग्रेस को बंगाल में ममता बोलती है बंगाल छोड़ दो, लालू और नीतीश बोलते हैं बिहार छोड़ दो, अखिलेश बोलते हैं दिल्ली छोड़ दो, यूपी छोड़ दो, और केजरीवाल बोलते हैं कि दिल्ली पंजाब छोड़ दो। तो ये सब लोग मिलकर कांग्रेस को पूरा भारत छोड़वाने में लगे हैं, और ऐसे में कांग्रेस अपनी अंतिम पायदान पर खेल रही है। तो न वो संयोजक का पद किसी को देना चाहती है। तो ये जो आपसी नुरा कुश्ती है, ये इंडी गठबंधन के चुनाव तक चलता रहेगा। इसे भाजपा के सेहत पर कोई असर नहीं होने वाला है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 475 समन्वयक। देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है कि वो अब समन्वयक चुने, उसका ना नीति तय है ना सिद्धांत तय है। आज कांग्रेस खुद में भ्रमित है कि कभी वो इंडिया अलायंस की बात करता है, महागठबंधन बनाने की बात करता है, और एक बाद में अकेला चलने की भी रणनीति बनाता है। तो कांग्रेस को मालूम है कि वो राहुल के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि पूरी पृष्ठभूमि वो लोग राहुल के इर्द गिर्द बनाते हैं, और कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो लोग हैं वो खुद प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तो ये जो नूरा कुश्ती है कांग्रेस का चलता रहेगा, और उनके कोई तैयारी से फर्क नहीं पड़ने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी का मिशन फतह होगा। ये पूरी तरह चारों खाने चित होंगे ये लोग। ईडी हमले के जो जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में ईडी पर हमला किया गया, तो गिरफ्तार करने के लिए वहाँ के गवर्नर ने कहा है कि लुका छुपी बंद करे पुलिस। देखिए ईडी पर जिस प्रकार से हमला हुआ और बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों पर चोट हो रही है, तो ममता बौखलाई हुई है, और कांग्रेस खुद चाहती कि ममता पर हमला हो ईडी का, लेकिन ईडी को बेवकूफ़ बोलती है। तो मुझे तो ये नहीं समझता कि ईडी बेवकूफ़ है तो उस पर हमला आप करवा रहे हो। और एक तरफ कांग्रेस ये भी नहीं कंडेम कर पा रही है कि नहीं ईडी के हमले दुखद घटना है। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस का जो स्थिति है बंगाल में, कि बंगाल में ममता उनको घुसने नहीं दे रही है और ममता पर उनका भी गुस्सा है, इस कारण से वो ईडी के कार्रवाई को सही भी नहीं बता पा रहे हैं और उसको बेवकूफ़ कह रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी कहा कि ईडी बेवकूफ़ है। वही तो मैं कह रहा कि कांग्रेस के नेता बोलते कुछ है, अगर बेवकूफ़ है तो फिर डरते क्यों हैं आप लोग? ईडी से जो डर है कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोगों को, वो डर तो सामने से दिखता है। ईडी जब कार्रवाई के लिए बुलाती है, कुछ पूछ इंटोग्रेशन करने के लिए बुलाती है, तो सारे लोग बेचैन होकर भाग खड़े होते हैं। अब देखिए केजरीवाल की स्थिति क्या है, क्या स्थिति हेमंत की है, क्या स्थिति ममता की है, और बिहार में तेजस्वी यादव उसी पैदान पर है। जब छः छः घंटा इंटोग्रेशन होता है तो इन लोग हालत ख़राब हो जाती है। बिहार का शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा है कि अगर किसी को चोट लगी तो कहाँ अस्पताल जाएंगे या मंदिर जाएंगे, लोग पढ़ने कहाँ जाएंगे, लोग किसी को शिक्षा। देखिए तीन दिन पहले तेजस्वी यादव ने इस तरह का बयान दिया, चंद्रशेखर ने उसी बयान को पुनरावृत्ति की है। मेरा ये मानना है कि ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पूछना चाहिए इन लोगों से, जब 15 वर्षों में इनकी सरकार रही थी उस समय कितने अस्पताल इन्होंने बनाए थे, कितने विद्यालय खोले थे? उस समय तो चरवाहा विद्यालय था, अस्पताल में कुत्ते और जानवर रहते थे, वो दिन याद नहीं है क्या? आज अस्पताल का गुणगान कर रहे हैं, और अस्पताल में भी जब आदमी की डॉक्टर जब हारता है तो वो भी भगवान के ही दरवाजे पे भेजता है।
इनको इतना भी ध्यान में नहीं है, आज जिस भगवान का अपमान कर रहे हैं, जिस राम का अपमान कर रहे हैं, जिस सनातन परंपरा का अपमान कर रहे हैं, ये लोग भी घुटना मत्था वहीं फेंकते हैं, पर वोट की खातिर ये लोग बयानवीर बनते हैं। ये मुस्लिम समाज के जो रहनुमा जो बने हुए हैं, मैं बोलता हूँ कि अगर अपने घर में कर्मकांड होता है, बाकी चीज़ें होती है शादी में, तो क्यों नहीं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, क्यों नहीं आप जाके मस्जिद में ही जाके शादी ब्याह का व्यवहार करते हैं। जब उसमें आस्था ही नहीं है, उसका अपमान ही कर रहे हो, तो जाओ शादी अपना निकाह पढ़ो, दुआ करना हो तो नमाज पढ़ो, और आस्था नहीं हो तो जाके मंदिर में, आस्था नहीं है तो मस्जिद में जाके पढ़ो। तो उस समय तो आपको मुंडन के लिए तिरुपति याद आ जाता है और बाकी वोट के लिए मस्जिद याद आ जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से सावधान रहना चाहिए, जब भगवान राम हमें प्रत्येक में व्याप्त है तो हमें खोजने के लिए कहाँ जाएंगे? नहीं तो खोजने के लिए कहाँ जाएंगे, तो राम का अपमान करेंगे। राम ऐसे ऐसे लोगों के अंदर व्याप्त तो नहीं हो सकते हैं जिसके अंदर इतनी गंदगी रही हो, जो राम और सरस्वती के अपमान करता हो, जो हिंदू संस्कृति देवताओं को अपमान करे, उसके अंदर राम वास भी नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर जरूर कोई ना कोई रावण वास कर रहा होगा। देखिए पूरे देश में जैसा उत्सव का माहौल है, पूरे देश में आज होली और दिवाली एक साथ नजर आ रही है, कि कहते हैं ना कि अयोध्या में राम लौटे थे जब लंका पर जीत करके, कि किस प्रकार से दिवाली और जश्न मना था अवध में, आज वो फिर से अवध में, और कह सकते हैं पूरे देश में माहौल बन रहा है कि राम जी पुनः अपने घर वापसी हो रही है, एक उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ शुभ हो रहा है, तो ये लोग को बेचैनी हो रही है और कहते हैं कि बम विस्फोट होगा। ये शर्म आनी चाहिए, और ऐसी साजिश करता है। एक जगह मुस्लिम के लोग बोलते हैं, कुछ तथाकथित पार्टी के लोग, कि भाई आप लोग घर से मत निकलिए नहीं तो कुछ भी हो सकता है, और एक तरफ से आरजेडी के विधायक इस तरह का बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों रास्ते जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। निश्चिंत रहिए, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ऐसे अपराधियों को आतंकवादियों को ठिकाने लगाना जानती है। हमारे यहाँ अब जो उग्रवादी और आतंकवादी घटनाएँ घटती हैं तो उस पर कैसी कार्रवाई होती सबको पता है। बिहार में जिस प्रकार से इन्होंने PFI और बाकी लोगों को संरक्षण दिया था, वो हमारे ध्यान में पार्टी सबको है, और लालू जी और नीतीश जी हों, ऐसे घटनाएं करने वाले लोग जहां भी होंगे, पताल में भी छिपे होंगे, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। तो ध्यान रहे, ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार है।